स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे हैं और यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक देख लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। देखिए दिया हुआ है यहाँ 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस 3 फिर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में 1 बाई 6। चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इन सब का। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 प्लस इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए फिर प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और इंटू में x माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल टू में 1 बाई 6। ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, नीचे ऐसे ही रखेंगे। देखिए ऊपर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। और नीचे देखिए आपका जो है ऐसे ही रहने रहता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 और इक्वल टू में है आपका 1 बाई 6। आगे अब हम लोग इसके देखते हैं। ऊपर देखिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये माइनस 7, ये माइनस 5x और ये माइनस का 3x, तो 7x और माइनस का 3x यहाँ पे ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस 7x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 10x और माइनस का 5x, तो माइनस 15x इसको लिख देते हैं। और यहाँ 12 और 4 16 और 2 18 हो जाएगा। और बाई में जो है उसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू में 1 बाई 6। चलिए ऊपर आप 3 कॉमन कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 और नीचे आपका है x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस का 4 इक्वल टू में 1 बाई 6। ऊपर आप फैक्टर कर दो इसका, तो देखिए क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 और नीचे देखिए जो है आपका x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस का 4 इक्वल टू में 1 बाई 6। ऊपर दो दो को मैं कॉमन करते हैं 3 इंटू में यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा और माइनस 2 यहाँ हो जाएगा कॉमन तो x माइनस 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, नीचे आपका जो है वो रहने देते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू में 1 बाई 6। आगे देखते हैं ऊपर आप 3 इंटू में x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का 2 बच जाएगा और y में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस का 4 इक्वल टू में 1 बाई 6। अब इसके आगे देखिए यहाँ x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 2 कर गया, अब यहाँ बच गया 3y में x माइनस 1 इंटू में x माइनस का 4 और इक्वल टू में 1 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस का 4 इक्वल टू में 18 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 और प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू में 0, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन करते हैं x माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन करते हैं x माइनस 7, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 7 है, x माइनस 7 को यहाँ कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा और यहाँ प्लस का 2 इक्वल टू 0। अलग अलग कर दो तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ x का वैल्यू 7 आ जाएगा और x का वैल्यू माइनस का 2, यानी कि x का वैल्यू हो गया 7 और माइनस 2, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर